तो रिसेंटली ही क्रिस पॉल फिर से एक बार ही ट्रेंड कर रही है, एंड इस बार काफी कुछ पता चला इस मूवी के बारे में। आराम से बैठो और एक एक करके मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, इस मूवी की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट से लेके कास्ट से लेके स्टोरी तक सब कुछ। सो पहले बताता हूँ कि क्रिस फोर्ड ट्रेंड एक्चुअल में कर क्यों रही है। तो रिसेंटली ट्विटर पे एक पेज ने ट्वीट किया था एंड उस पर सिद्धार्थ आनंद ने कमेंट किया है, येप ही इज नाउ। इससे पता चलता है कि क्रिस फोर की प्रोडक्शन सिद्धार्थ आनंद की प्रोडक्शन कंपनी मार्फ्लिक्स करने वाली है। वैसे बता दूं कि इसी कंपनी ने फाइटर भी बनाई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। इस मूवी को 99% राकेश रोशन ही डायरेक्ट करेंगे। बाकी कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने बताया था रीजन कि वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं। सो तो उन्होंने कहा था कि एक तो इंडियन ऑडियंस अभी काफी ग्रो हो चुकी है एंड लास्ट जो क्रिस 3 जब 2013 में आई थी उसके कंपैरिजन में आज बहुत कुछ बदल चुका है। अभी बच्चे बच्चे ने हॉलीवुड मूवीज देखी होती है, उनको पता होता है कि एक्चुअल में VFX अच्छे VFX कैसे दिखते हैं। सो वो इतने पॉपुलर करेक्टर को ऐसे ही खराब नहीं करना चाहते एंड वो तब तक इस मूवी को नहीं बनाएंगे जब तक कि उनको पूरे तरीके से रिसोर्सेज नहीं मिल जाते, वो खुद कंफर्म नहीं हो जाते कि हाँ ये अच्छी ही बनेगी। एंड साथ ही एक बात और बता दूं कि 2023 से इस मूवी की स्टोरी पे काम चल रहा है एंड उन्होंने ये भी बताया कि अभी के लिए इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट करने की उनकी जो प्लानिंग है वो 2025 से है, बट एग्जैक्टली कौन से मंथ में वो नहीं बताया। तो तुम लगा के चलोगे अगर ये कुछ ठीक ठाक प्लान रहती है, सब कुछ तरीके से चलता है जैसे उन्होंने प्लान किया है, तो 2026 के एंड तक या 2027 के स्टार्टिंग तक ये रिलीज होगी। नाउ मैं भी उनकी इस थिंकिंग से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ क्योंकि कुछ ऐसा वैसा बना दिया ना तो एक तो करेक्टर की लेगेसी खराब हो जाएगी एंड फिर वही लोग जो इसका वेट कर रहे हैं ना वो बोलेंगे कि इससे बेटर तो यार तुम नहीं बनाते। देखो बाकी इसकी स्टोरी के बारे में कुछ रूमर्स उड़ रहे हैं। नाउ मैं पहले बता दूं कि ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, यानी कि आइडियाज को ऐसे ही बताया जाता है, इन पर जरूरी नहीं होता कि काम चल ही रहा हो। तो कुछ जो पॉपुलर है मैं उनके बारे में एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पॉपुलर है कि जादू की एंट्री होगी अगेन एंड इस बार पूरी स्टोरी को गैलेक्सी के लेवल पे लेके जाया जाएगा। इस बात का मतलब है कि शायद इस बार जादू का प्लेनेट दिखाया जाए उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। सेकंड थ्योरी, और ये आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल है, कि ऋतिक रोशन डबल रोल करने वाले हैं एज क्रिश एंड एज विलन। मे बी क्रिश का बेटा ही विलन हो और वो बड़ा होके वो ऋतिक रोशन ही प्ले करने वाले हैं। अच्छा एक और रूमर है कि इसमें टाइम ट्रेवल होने वाला है, बट आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है क्योंकि इससे फिर एक नई थ्योरी बन जाएगी मल्टीवर्स वाली, बट ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक पार्ट के लिए। मे बी आगे की स्टोरी में इसको कवर किया जाए। अच्छा अगर तुम इसकी कास्ट को गूगल पे सर्च करते हो तो इसकी कास्ट में अभी के लिए ऑब्वियसली ऋतिक रोशन तो है ही, बट उनके साथ नोरा फतेही के होने के रूमर्स हैं और नवाज का भी रोल है, प्लस काल का कैमियो होने वाला है। आई थिंक ये कनेक्ट करने के लिए कि उसने कुछ बैकवर्ड में टाइम में ऐसे कुछ किया होगा जिससे कि एक नई स्टोरी क्रिएट की जाएगी, जैसे कि हमने क्रिस 3 में भी देखा था पुराने विलन का एक कैमियो था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टोरी वहां से कनेक्ट होती है। अजीब बात है कि प्रियंका का कोई जिक्र नहीं है, बट टाइम पे श्रद्धा के भी रूमर्स थे। आई डोंट नो एक्चुअल में चल क्या रहा है कास्ट में क्योंकि अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। तो चलो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें यहाँ तक आ गए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाना, और अगर नहीं भी करना तो चलो ठीक है, तुमने वीडियो एंजॉय की मुझे अच्छा लगा, बाकी वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, सो बाय।